हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैबिन इन द वुड फिल्म के सीक्वल के बारे में, जिसे लेकर बहुत ही बुरा अपडेट आया है। बल तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात सभी को पता होगा कि 2011 में आई हुई फिल्म कैबिन इन द वुड काफी अलग बनाई गई थी कैबिन फॉरएवर फिल्म से, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं कैबिन फेवर की सीरीज की रीमेक है। लेकिन जब लोगों ने फिल्म देखी तो लोगों को फिल्म काफी अच्छी लगी। लेकिन ये फिल्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। जी हाँ, फिल्म की एंडिंग हमें कंफ्यूज करती है, जिस वजह से हमें ये लगता है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आएगा। और अब 2011 को काफी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अब तक इस फिल्म के सीक्वल की अपडेट नहीं थी। लेकिन अब इस फिल्म के डायरेक्टर ग्रेग गॉर्डन ने अपडेट दे दिया है कि वो कैबिन इन द वुड फिल्म का सीक्वल नहीं बनाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि इस फिल्म का सीक्वल नहीं बनेगा। और साथ ही साथ गॉर्डन ने यह भी कंफर्म किया कि उन्होंने उसके सीक्वल के लिए काफी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी उनके को राइटर जॉश वेडॉन के साथ, लेकिन फिर कुछ चीजें जो हम सोचते हैं वैसी वो हो नहीं पाती, इसलिए इस फिल्म के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया। और इस फिल्म के अलावा अब मेरे पास दूसरे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर फिलहाल तो अभी मुझे काम करना है। तो अब देखा जाए तो क्लियर तरीके से यहाँ पर वेडन ने हमें डिटेल नहीं दी है कि क्यों वो इस फिल्म के सीक्वल को नहीं बनाना चाहते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि असल में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जो इस अच्छी सी फिल्म का सीक्वल नहीं बना। तो जवाब है एकदम सिंपल, क्योंकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, इसलिए स्टूडियो को लॉस हुआ, जिस वजह से स्टूडियो अब इस फिल्म के सीक्वल में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों ने इस फिल्म को गलत तरीके से प्रमोट किया था, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म का प्रमोशन दिखाया जा रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि ये फिल्म कैबिन फेवर की सीरीज की रीबूट है। इसी वजह से ज्यादातर लोग इस फिल्म को देखने नहीं गए। वैसे अगर बात की जाए इस फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट था 30 मिलियन और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे लगभग 66 मिलियन। तो अगर ऐसे पकड़ा जाए तो इस फिल्म को 36 मिलियन का फायदा हुआ है। लेकिन अगर इसमें प्रमोशंस को ऐड कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि इस फिल्म ने बस 20 मिलियन के आसपास की ही कमाई की होगी। लेकिन अगर आप कैबिन फेवर के फर्स्ट पार्ट पर जाओ तो उस फिल्म का बजट सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिलियन था, लेकिन उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 13.5 मिलियन। यानी इस फिल्म ने उसके बजट के हिसाब से काफी ज्यादा कमाई की थी। तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर ग्रेडन और स्टूडियो को ये लग रहा था कि अगर वो लोग इस फिल्म का बजट थोड़ा बढ़ाएंगे तो शायद उन्हें बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसके बाद ये फिल्म काफी अच्छी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ और अब फाइनली इस फिल्म के सीक्वल के आइडियाज को कर दिया गया है ड्रॉप। तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये खबर सुनकर कितना ज्यादा बुरा लगा कि कैबिन फेवर फिल्म का सेकंड पार्ट नहीं आएगा। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।